फटाक 30 सेकंड में खबर। डाउनलोड कीजिए तक ऐप, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर अभी क्लिक करें। सिद्धार्थ शुक्ला एक ऐसा नाम जिसने अपने फैंस और चाहने वालों के दिलों पर राज किया, लेकिन सिद्धार्थ की अचानक मौत ने सबको झकझोर दिया था। दुनिया को अलविदा कह चुके सिद्धार्थ आज भी अपने फैंस और परिवार की यादों में मौजूद हैं। इसी बीच अब 25 जनवरी की शाम अभिनेता के परिवार ने एक बयान जारी किया है। अपने इस बयान में सिद्धार्थ के परिवार वालों ने सभी से अनुरोध किया है कि अगर वह किसी भी प्रोजेक्ट में सिद्धार्थ शुक्ला के नाम का इस्तेमाल करते हैं या करना चाहते हैं तो इसके लिए वह पहले उनसे संपर्क करें। लेकिन सवाल ये कि अचानक सिद्धार्थ के परिवार को बयान जारी क्यों करना पड़ा, तो ये भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि बयान जारी कर उन्होंने क्या कहा है। सिद्धार्थ के परिवार के बयान को सिद्धार्थ के करीबी दोस्त और बिग बॉस की पूर्व प्रतियोगी अभिनेत्री शहनाज गिल ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। इस बयान को शेयर करते हुए शहनाज ने उनके साथ कोई भी कैप्शन नहीं लिखा। अभिनेत्री ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर इसे साझा किया है और बयान में कहा है कि सिद्धार्थ के सभी शुभचिंतकों के लिए हमारी सभी से सिद्धार्थ के परिवार के रूप में अनुरोध है कि वो जो भी किसी परियोजना में सिद्धार्थ के नाम या उसके चेहरे का इस्तेमाल करना चाहते हैं, कृपया इसके लिए हमसे संपर्क करें। हम सिद्धार्थ की पसंद जानते थे, हमें पता था कि वह क्या चाहता है और उसके लिए हमारे फैसले इन सब को ध्यान में रखते हुए ही होंगे। अगर ऐसी कोई परियोजना थी जिससे वे खुश नहीं थे तो हमें यकीन है कि वह उसे जारी नहीं करते। जब सिद्धार्थ हमारे साथ था तो कुछ भी जारी नहीं हुआ, उसमें उसकी सहमति नहीं रही होगी। ऐसे में उनकी इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें प्यार से, सम्मान के साथ, प्यारी यादों के साथ याद करते हैं जिन्हें हमारे लिए छोड़ गए। लेकिन अब हर कोई जानने को बेताब है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो शहनाज और शुक्ला परिवार ने यह स्टेटमेंट जारी किया। दरअसल पता चला कि बिग बॉस 15 में नजर आए एक्टर विशाल कोटियन वह गाना रिलीज करने वाले हैं जिसमें सिद्धार्थ शुक्ला नजर आए थे। सिद्धार्थ का यह आखिरी प्रोजेक्ट था लेकिन रिलीज नहीं हो पाया। विशाल कोटियन ने बिग बॉस के घर में भी कहा था कि उन्होंने सिद्धार्थ के साथ एक म्यूजिक वीडियो में काम किया था लेकिन वह अधूरा रह गया। विशाल ने यह भी कहा था कि वह बिग बॉस 15 भी सिद्धार्थ शुक्ला की वजह से कर रहे हैं। इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक सिद्धार्थ शुक्ला ने इस गाने की शूटिंग बिग बॉस 13 में आने से 3 साल पहले की थी। यह गाना अधूरा रह गया था क्योंकि सिद्धार्थ इसके शूट से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। वह कभी नहीं चाहते थे कि यह गाना रिलीज हो, इसलिए परिवार भी नहीं चाहता कि उसकी मर्जी के बिना यह गाना या कोई भी प्रोजेक्ट रिलीज किया जाए। सिद्धार्थ की भी यही ख्वाहिश थी कि गाना रिलीज न हो। रिपोर्ट के मुताबिक न तो विशाल कोटियन और न ही म्यूजिक के लेवल ने सिद्धार्थ शुक्ला के परिवार की परमिशन ली है। बता दें कि टीवी अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला का बीते साल 2021 में 2 सितंबर को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था। 40 वर्षीय सिद्धार्थ शुक्ला के इस तरह अचानक दुनिया से चले जाने से उनके फैंस और मनोरंजन जगत में शोक की लहर दौड़ गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ तक।